बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जो शुरू करने वाले हैं ये डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो 2D और 3D डिज़ाइन करता है और इसका नाम है डेल कैम पावर शेप। इस पर हम मुकम्मल एक चीज़ को 3D डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसके जो और फीचर होते हैं जैसे पंच कैविटी, मोल्ड कैविटी, इसके अलावा मैकेनिकल फिटिंग्स, ये एक मुकम्मल असेंबल करके एक चीज़ को देख सकते हैं। 2D भी इस पर बड़ी अच्छी हो जाती है। तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पर करेंगे 2D। उससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। ये हमारे पास पावर शेप का फर्स्ट लुक है। तो इसके जो सामने टूल बार है ये हमारे पास आ जाती है न्यू पेज के लिए, यानी अगर कोई पेज नहीं है तो इस तरह शो होगा कुछ इस तरह। ये हमने न्यू पेज किया तो ये हमारे पास एक न्यू पेज आ गया वर्क करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन। ओपन करने के लिए यानी कोई भी फाइल आपने जो पावर शेप में सेव की हो या पावर शेप का खुद का प्रोजेक्ट है तो उसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, फाइल उठा के इसके अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया इंपोर्ट डेटा का। यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट मसलन किसी और सॉफ्टवेयर की फ़ाइल जो कि IGS, STP, STL, DFX कुछ भी इस तरह का उसमें फॉर्मेट हो तो वो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है सेव है, उसके बाद प्रिंटर है। अब इसके अब मेन जो है ना वो ये टूल बार आ जाती है हमारे पास। सबसे पहले हम जो इसमें टूल बार में वो देखेंगे ये लाइन, आर्क, करव, ये तीन चीज़ों पे हमें अभी फोकस करना है, बाकी सब आप छोड़ दें अभी। ये इसका व्यू है, ये भी ज़रूरी है, यानी एक्स वाई और जेड। इसमें 3 एक्सिस वर्क होता है, यानी एक पूरी 360 रोटेशन में। तो इसमें उन्होंने बताया एक्स वाई जेड, जब हम किसी भी चीज़ को फ्रंट से देखते हैं तो हमें 2 एक्सिस नज़र आएंगे, एक्स और वाई, एक नहीं हम देख सकते। हाँ, जब तक कि वो ISO में ना हो, जैसा ये UCS आपको वाई और एक्स नज़र आ रहे हैं, जब हम इसको यहाँ से ISO करेंगे तो ये तीनों नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जेड यानी टॉप व्यू आपका। तो यहाँ से हमने जेड व्यू पे काम करना है। फिर ये हो गया एक्स वाई इस तरह, तो ये आपको पता है सारा, यानी व्यूज़ वगैरह आ गए इधर यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने शुरू करना है जी लाइन के साथ। जो लाइन के साथ हम पहली ड्राइंग करने वाले हैं वो हमारे पास है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि यहाँ पे उन्होंने लाइन है 40 की, ये लाइन है 60 की, ये है, तो हम दो लाइनें लगा लेंगे 40 और 60। तो लाइन पकड़ ली कहीं पे भी, आप 0 एंटर कर दें, ये हमारे पास आ गया इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ पे हम जाएंगे जी 40 ऊपर। तो अगर आपने डायरेक्ट लिखना है 40 तो आता है एक्स वाई और जेड, मतलब आपने अगर वाई की तरफ जाना है तो आप लिखेंगे एक्स 0 यानी 0 स्पेस आगे वाई की रीडिंग, तो अगर एंटर कर देंगे तो सिर्फ वाई की तरफ ही जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब ये हमारा सेंटर है, वाई ऊपर जा रहा है, तो हम लिखेंगे 0 स्पेस, यहाँ पे लिख देंगे जी 40। तो ये क्या होगा, एक्स को उसने नहीं छेड़ना क्योंकि एक्स को हमने 0 कर दिया, 40 वो वाई ऊपर चला गया। अब यहाँ से हम सिंगल लाइन या कंटिन्यू लाइन, इसके बारे में बताता हूँ, पहले हम ये मुकम्मल कर ही लिए आज। तो ये आगे सिंगल लाइन, अब आ गई यहाँ पे हमने लगानी है जी 60 की लाइन। तो ये वैसे भी 60 हो गया पूरा, अगर फर्ज नहीं होता यहाँ पे क्लिक हो जाता तो अब यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसके ऊपर यहाँ पे खुद लिख सकते हैं 60 एंटर, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमने आगे जो है वो उन्होंने बताया कि 100 जो है ना वो ये लेंथ है हमारे पास और 40 ऊपर को है, तो ये डिग्री में एक लाइन लगी हुई है। 40 हमारी आ जाएगी ये, क्योंकि 60 पहले ही है, और 40 ऊपर चले जाएगी ये। तो यहाँ से हम इसको इस पॉइंट पर मिला के इसको डिलीट कर देंगे, तो ये हमारे पास ये भी आ गई। अब अगली जो लाइन उन्होंने बताई है हमें, वो यहाँ पे उन्होंने दी नहीं है इसकी रीडिंग किधर गई, चले खैर मैं देखता हूँ इसकी रीडिंग बुक में होगी कहीं, बाकी का हम मुकम्मल करते हैं। अब एक ये आर्क है, यानी आर्क में हम गए तो वहाँ पे हमने सर्कल ले लिया, एक सर्कल का वहाँ पे क्या रीडिंग है जी 15 रेडियस का रेडियस है। तो यहाँ पे आके लिखेंगे आर स्पेस 15 एंटर। अब ये जहाँ भी हम ये लगाएंगे तो ये 15 का हो जाएगा, अब ये 15 का रेडियस लग चुका है। इसके बाद हमने अब आ जाना है इस लाइन पर, इस पोजिशन पर।
तो ये हमारे पास अब क्या लाइन है, तो ये चेक कर लेते हैं। इसकी रीडिंग जो है ना वो मैं इस पे लिख भी दूंगा। इसकी रीडिंग है जी 40, नहीं 25, मैं बुक में देख ले रहे हैं, एक्स माइनस 25 और वाई 25। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं लिख दूंगा -25 स्पेस 25, एंटर। तो ये हमारे पास ये वैल्यू पुट करने से लेंथ आ गई, क्योंकि यहाँ पे नहीं दी थी तो मेरे पास बुक है उसमें लिखा हुआ था। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे भी इसका यानी लिख दूंगा। यहाँ पे अब ये आ गया, यहाँ पे हमने सर्कल में उन्होंने कहा जी आर्क लगाएं आप 30 की, तो आर्क पकड़ेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्कल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन आप लगाएंगे रेडियस में, यानी रेडियस डाय का डाया डबल हो गया ना, तो ये आ जाएगा। लेकिन नहीं, इस पर उन्होंने आर्क ही बोला है, CTR, तो ये लगाएंगे हम आर्क। फर्स्ट क्लिक, सेकंड, और फिर ऊपर से यहाँ तक ले आएंगे जहाँ पे भी आपने लगानी है, आ गया। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये वाली आर्क ब्लेंडर, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसकी रीडिंग। एक वहाँ पे उन्होंने बताया 60 मिलीमीटर, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 60, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब जो इसमें फालतू जो लाइंस हैं वो हम इसमें ट्रिम कर देंगे। ट्रिम की कमांड, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, जैसे फर्स्ट लुक ये, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर क्लिक क्लिक, ये आ गया जनरल एडिटिंग टूल बार, ये इसमें नीचे दे दिया। सबसे पहले यूज़ करेंगे हम ट्रिम, ट्रिम की कमांड ये है। इसके बाद ये तीन और हैं, ये भी हमारे काम की हैं, ये बताऊंगा आगे नेक्स्ट जो 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 ऐसा ऐसा हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो उसमें बताऊंगा। यहाँ पे हम क्लिक करके तो इसको जस्ट क्लिक करेंगे, जो फालतू लाइनें हमें लगी हैं कि ये डिलीट होनी चाहिए वो हो जाएंगी। सर्कल में आएंगे तो अब हमने ये भी इस्तेमाल करके देखा है, और ये भी, और ये भी रह गया ये। अब इसमें ऑप्शन ये भी है कि आर्क, इसको फिलेट बोलते हैं, फिलेट का मतलब रेडियस, कोनों में जो रेडियस वगैरह लगाते हैं हम। अब ये भी इसके बताया गया 10 का, तो आर स्पेस 10 एंटर करेंगे तो नीचे लिखा जाता है टूल बार में, एंटर किया तो ये अब देखें इसके साथ 10 आ रहा है, क्लिक, और यहाँ पर क्लिक तो ये हमारे पास आ गया इसका एक कंप्लीट रेडियस। अब ये जो इन्होंने यहाँ पर रीडिंग लगाई है, अब भी सारी लगा लेते हैं, वो आ जाती है इधर मैयर में, मैयर में क्लिक करके हम तो यहाँ से ये पॉइंट ले लेंगे, ये 60 हो गया, उसके बाद ये आ जाएगा 75। ये हमारा गलत है यार, ये कैसे गलत हो गया, हाँ ये यहाँ, सॉरी ये इधर आना था, मैं भी कोई यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे है जी ये रेडियस, अगर रेडियस बताया ये है 10 का, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे 10, उसके बाद यहाँ से ये 40, यहाँ पे हमारा भी 40 आ गया। इसके बाद ऊपर वाला रेडियस 15, उनका भी 15, ये रेडियस 60 का, हमारा भी 60 है। इसके बाद यहाँ से ये रीडिंग ले लेंगे इस तरह, अभी मेरे ख्याल से इस पे आएगी ये, अरे यार ये किस तरह आएगी, चेक कर लेते हैं ये किस तरह आनी है, अभी इसको चेक करते हैं। तो इसको हम ये भी इसमें है कि इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इसमें ये हमारे पास 30 है, वो मुझे मिल नहीं रहा यार, वो कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, अब हो जाता है यार, अभी जितना बता उतना ही बता सकते हैं, क्या करें। अब ये यार कौन सी बला आ गई है जो टेढ़ा ही नहीं चेक हो रहा, चले खैर वो देख लेते हैं कैसे होता है, अभी मैं बुक से देखूंगा आपको बताऊंगा। पर पहली ड्राइंग जो है वो माशाल्लाह हमने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाल्लाह अगली, उस पर हम नेक्स्ट करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं।